हे गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। गाइस, मैं आज लेकर आया हूँ कुछ स्पेशल ही होगा। अच्छा, आप लोग सोच रहे हैं तो रोज चिल्लाता है, लेकिन रोज नहीं, आज कुछ स्पेशल ही है। चलिए गाइस, तो लेते हैं आज का वीडियो। मस्ट पढ़ाया आप लोगों ने? हाँ सर, जरूर। मस्ट मस्ट मिस क्या होता भैया? मस्ट मिस होता है चाहिए, मस्ट मिस चाहिए, चाहिए ही चाहिए। और एक और हिंदी होती है इसकी, ही होगा, ही होगा, ही चाहिए, ठीक है। इसकी हिंदी ये होती है। अभी तक आप लोग पढ़ते चले हैं सर, चाहिए होता है, चाहिए होता है, ही चाहिए होता है, ये भी पढ़ा है। बट इसकी हिंदी ये भी होती है, ही होगा, ठीक है। जैसे एक सिंपल होता है विल, वह जाएगा ही विल को, लेकिन वह जाएगा ही जाएगा, तब यूज होगा मस्ट। क्लियर है ना? जैसे आपको पढ़ना ही चाहिए, आपको पढ़ना ही चाहिए, यू मस्ट रीड, आपको पढ़ना ही होगा। कुछ लोग हंस तो नहीं रहे हमारी बात पर। आपको पढ़ना ही होगा, यू मस्ट रीड। ये था सिंपल तरीका, ये सिंपल सेंटेंस है जो मस्ट के साथ बनाए जाते हैं। समझ में आ रहा है ना? देखो कौन निकाले इतने जबरदस्त, बाकी और भी कोई निकाल सकता है, लेकिन आप नाम नहीं ले सकता। क्या जैसे मैं नहीं बोल सकता कि लड़कियां भी नहीं बोल सकता ना सर, सब करते हैं सर, कोई भी कर सकता है, कर सकता है। सुना भी है बहुत सारे लोगों को, नाम नहीं ले रहे हैं हम, किसी साइड देखते हैं तो ये देखिए यहाँ पर क्या है, समझ में आ रहा है? सुन लीजिए, ये सिंपल यूजेस है, समझ में आ रहा है ना? आप लोग सोचोगे कि ये तो हमें आते हैं, फालतू में बता रही है। नहीं, ये आते तो हैं, लेकिन ये बताना मेरा मतलब आज का क्या उद्देश्य नहीं है, मैं कुछ और ही बताने वाला हूँ इसके बारे में। ध्यान रखें, ये एक मॉडल है, और मस्ट मीन्स होता है चाहिए, जो कि किसी को सलाह दी जाती है। सलाह के लिए मस्ट का यूज किया जाता है। मस्ट की जगह पर आप शुड का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन शुड क्या होता है? नॉर्मल एडवाइस होती है, नॉर्मल सलाह देने के लिए होती है। बट मस्ट एक ऐसी सलाह होती है जिसके लिए आप सलाह दे रहे होते हैं, उसके लिए जरूरी होता है। समझ में आ रहा है ना? एक और टू होता है जो सबके लिए जरूरी होता है। यहाँ पर मस्ट जिसके लिए आप एडवाइस दे रहे हैं, जिसके लिए आप सलाह दे रहे हैं, उसके लिए जरूरी है। तब इसकी एक और हिंदी निकल आएगी, क्या? जरूरी। बोला तो था सर, है ना? समझ आ रहा ना? जरूरी जाना होगा, जरूरी होगा, इस तरीके की हिंदी होगी। समझ में आ रहा कि नहीं? होगा, होगी, होगे। हाँ, आपको पढ़ना ही होगा और पढ़ना पढ़ना ही चाहिए, पढ़ना ही होगा, थोड़ा सा डिफरेंस है। इसकी हिंदी ये होगी, ठीक है। बाकी आप लोग अपने अकॉर्डिंग निकाल लेंगे इससे मिलती जुलती हिंदी। अब बात करते हैं कुछ स्पेशल की। इसको इरेज कर रहा हूँ मैं। जी सर, लिखना क्या हुआ इसको? ये तो सिंपल है। हेलो ओए भाई, चलिए देखिए, मस्ट ये मॉडल है, ध्यान रखना, मस्ट सभी के साथ यूज होगा, डिफरेंस नहीं होगा कि किसके साथ क्या चेंज होके होगा, नहीं, सबके साथ सेम तरीके से यूज होगा, मतलब सेम वर्ड यूज होगा, मस्ट। क्लियर? जी सर। मस्ट और एक यूज है मस्ट बी, मस्ट बी मींस क्या होता है? होगा, क्या चाहिए ही होगा, जेन सेंस को देखो, बनना ही होगा, ठीक है, होना ही होगा। क्लियर? बनना ही होगा या होना ही होगा, है ना? और भी एक होता है इसका, चलिए नीचे लिख के दे रहा हूं मैं, मस्ट बी। यहां पर ऑब्जेक्ट का यूज होगा, यहां पर
ऑब्जेक्ट का यूज होगा। चलिए एक काम करते, इसी में हिंदी लिखे दे रहे हैं आगे लिए लपड़े ना पड़े, और भी जो हिंदी होगी वर्ब आएगी इसमें, ही रहना चाहिए, ही रहना चाहिए, ठीक है। सभी की हिंदी लिख दी है मैंने, सेंटेंस अभी बताने वाला हूं। एक और यूज होगा इसका मस्ट हैव, मस्ट हैव, मस्ट हैव, मस्ट हैव का होगा पास ही होगा, पास ही होगा, और क्या होगा इसमें, और क्या होगा, पास ही होना चाहिए, सही बात है, पास ही होना चाहिए। यू मस्ट बी इन द होम, भाई साहब सेंटेंस में अभी बना नहीं रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, पहले लिख ली थी, इसके यूज बहुत सारे होते हैं, समझ आ रहा है ना, सेंटेंस बनाने के चक्कर में मत पड़ो, उनके अभी लिपट जाओ, है ना, पास ही होगा या पास ही होना चाहिए, क्लियर है ना। एक और ले लेती इसकी हिंदी, ही चाहिए था, ही चाहिए था, डन जी सर। आगे मस्ट हैव बीन, ठीक है, इसका होता है हिंदी बनना या होना चाहिए था। एक और हिंदी होगी इसकी, ही रहना चाहिए था, डन। और भी लेना है क्या? चलो एक और यूज ले लेते हैं, मस्ट हैव टू, पढ़ते रहना होगा या पढ़ते रहना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए, रहना चाहिए, समझ आ रहा है जी सर, समझ आ रहा है। इतने सारे यूजेस होते हैं इसके, बहुत सारे होते हैं अभी और भी होते हैं, बट मैं आपको अभी इतना ही बताऊंगा, क्लियर है ना। उसको निकाल लेंगे उसका, क्या निकाल लेंगे, सेंस, अच्छा सेंस निकाल लोगे, चलिए कोई बात नहीं, सेंटेंस देख लेते हैं फिर सर। देखो बढ़ना ही होगा, पहले तो मैं आप लोगों को ये बता चुका हूँ, समझा रहे ना, आप इसको लिख दिया मस्ट बी, ठीक है, जैसे आपको डॉक्टर बनना ही चाहिए, मस्ट जहां आता है वो एम्फेसाइज करता है, मतलब जोर देके बात की जाती है, ठीक है, जरूरी भी वर्ड लगा सकते हैं, आपको डॉक्टर बनना जरूरी है, अच्छा आपको डॉक्टर बनना ही जरूरी है, या जरूरी ही है, ठीक है, या बनना ही चाहिए, बनना ही होगा आपको डॉक्टर, बनना ही होगा, ध्यान रखें, जरूरी वर्ड भी अगर आ जाए तब आप मस्ट का यूज कर सकते हैं, लेकिन सेंस समझे, ही जरूरी है ना जी सर। यू मस्ट बी अ डॉक्टर, यू मस्ट बी अ डॉक्टर, आगे सेंटेंस समझ में, यू मस्ट बी अ डॉक्टर, है ना, डॉक्टर नहीं डॉक्टर, डॉक्टर हो सकता है हमारे जो प्रोनाउंसिएशन वो भी सही ना हो, क्योंकि इंग्लिश से अपनी लैंग्वेज थोड़ी है, अपन तो हिंदी वाले हैं, सबसे बेस्ट है हमारी मातृभाषा है, आपको डॉक्टर बनना ही चाहिए, आपको डॉक्टर बनना ही चाहिए, अगर मैंने इसको नेगेटिव किया तो क्या आएगा, आपको डॉक्टर नहीं बनना चाहिए, यू मस्ट नॉट बी अ डॉक्टर, आपको डॉक्टर बनना ही नहीं चाहिए, किसने किसने कहा तुम्हें डॉक्टर बनना चाहिए, आपको बनना ही नहीं चाहिए, आपको तो टीचर बनना चाहिए, बोल देते हैं ना कभी, तुम्हारे अंदर समझाने के गुण बहुत अच्छे हैं, आप बहुत टैलेंट, बनना ही नहीं चाहिए, यू मस्ट नॉट बी अ डॉक्टर, आपको डॉक्टर बनना ही नहीं चाहिए, ठीक है। यदि इसको क्वेश्चन करना पड़ जाए तो मस्ट मस्ट पहले आ जाएगा, मस्ट मस्ट यू बी अ डॉक्टर, क्वेश्चन, ठीक है, आपको डॉक्टर, क्या आपको डॉक्टर बनना ही चाहिए, क्या आपको डॉक्टर बनना ही चाहिए, इसको आप दूसरे तरीके से बनाते हैं, टाइम लगेगा थोड़ा सा इस वीडियो में, ध्यान रखें आप भी सब्र बनाए रखें, ओके, यहाँ देख रहे हैं टेंशन,
इरेज कर दूं? जी सर, मिटा दो पूरा। भारत माता की जी श्री राम। अब बात करते हैं, इधर देख लीजिए। हेलो, देख रहे हैं सर? देख रहे हैं, देख क्या देख लीजिए पहले। आई मस्ट हैव, वह घर में होगा ही होगा, वह घर में होगा ही होगा, पक्का है। वह जब पक्की हो तब भी इसका यूज किया जाता है कि मस्ट बी इन द होम, इन द होम, ही मस्ट बी इन द होम, वो घर में होगा ही होगा, पक्का घर में होगा। ठीक है, एक सेंटेंस तो ये हो गया होने के सेंस में, बनने के सेंस में। अब बात करते हैं देयर से, है ना? देयर वाले सेंटेंस भी तो आप लोगों ने सुने हैं ना? सुने के नहीं? हाँ सर। यस, बच्चे ग्राउंड में होंगे, क्लास में क्लास में होंगे ही होंगे। सर अगर होंगे ही होंगे ये सेंस नहीं बना तो सर अपने मन से अगर नील लगाना चाहे तो अपने मन से अब लगाएंगे, जरूर होंगे। हाँ जरूर होंगे, यही बोल, है ना? होने ही चाहिए, बच्चे क्लास में होंगे ही होंगे, या तो ये हो गया। दूसरा, बच्चे क्लास में होने ही जरूर होंगे, बच्चे क्लास में होने ही चाहिए। समझ में आ रहा है ना? हिंदी आप अपने अकॉर्डिंग बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन इंग्लिश एक ही जैसी बनेगी। यहाँ पर यूज करेंगे देयर से स्टार्ट करेंगे। सर देयर क्यों करेंगे सर? देखो कोई कहीं पर है ना, यहाँ पर कोई काम नहीं कर रहा, कोई ध्यान रखे इस बात का। देयर का यूज क्यों होता है, सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यही है बच्चों को। देयर से क्यों स्टार्ट करें सेंटेंस? यहाँ पर देयर इसलिए यूज किया जा रहा है कि कोई कहीं पर है, ऑब्जेक्ट कहीं पर होने के सेंस में देयर से सेंटेंस स्टार्ट किया जाता है। देयर ये बताता है कि कोई कहीं पर है, मौजूदगी में बताते हैं, या मौजूद है, किसी की मौजूदगी बताते हैं। समझ आ रहा है ना? तो यहाँ पर यूज करेंगे देयर मस्ट, देयर मस्ट बी चिल्ड्रन, देयर मस्ट बी चिल्ड्रन इन द क्लास। ठीक है, देयर मस्ट बी चिल्ड्रन इन द क्लास। अगर आपको डायरेक्ट बनाना है तो डायरेक्ट बना दीजिए, देयर हटा दो, चिल्ड्रन मस्ट बी इन द क्लास। सही बात है, ठीक है ना? नॉट, नॉट के लिए तीसरे नंबर पर नॉट लगाएंगे। क्वेश्चन अगर बनाना है तो मस्ट पहले ला देंगे। समझ में आ रहा है ना? अब प्रत्येक सेंटेंस को नॉट और क्वेश्चन तो बनाना नहीं पड़ेगा। नहीं सर, आ जाएंगे ना समझ में? जी सर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप मस्ट हैव, पास ही होगा या पास ही होना चाहिए, या पास ही होना चाहिए था या होना चाहिए था। ठीक है, वर्ब भी यूज होगी इसमें। अब बात करते हैं एक एक करके, एक एक करके ले लेते हैं सेंटेंस। जैसे उसके पास मेरा मोबाइल होना ही चाहिए। ठीक है, इसका सेंस ये निकल रहा है कि वो व्यक्ति यहां बैठा था, वहीं पर मेरा मोबाइल रखा था, कहां गया? इसका मतलब जिसने भी चुराया है, मतलब जिसने चुराया वो यह बैठा था, और जो यहाँ बैठा था उसी ने चुराया है। इसका मतलब है कि उसके पास मोबाइल होना ही चाहिए मेरा। समझ आ रहा है ना? यहाँ पर इंग्लिश बनाएंगे क्या? ही, बोलो, ही मस्ट है। आईएनजी लगेगी ना सर इसमें? क्यों लगेगी आईएनजी? फालतू में आईएनजी लगा देंगे आप यार। मैं यहाँ चीज की बात कर रहा हूँ। इसके देखो, चीज का नाम लिखना तो चीज का नाम लिखेंगे, क्लियर है ना? बाकी वर्ब होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। He must have my mobile. He must have my mobile. समझ आ रहा कि नहीं? सेंटेंस छोटा है, माइंड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता। देखो सेंटेंस कितना छोटा है इंग्लिश का। He must have my mobile. उसके पास मेरा मोबाइल हो सकता है, होना ही चाहिए, जरूर हो सकता है, होगा ही होगा। कितनी हिंदी होती है कि नहीं? इंग्लिश कितनी सी होगी? यदि इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाना तो नेगेटिव कैसे बनेंगे? सुन लीजिए कैसे बनेगा नेगेटिव। उसके पास मेरा मोबाइल नहीं होना चाहिए, he must not have my mobile, है ना? समझ आ रहा? उसके पास नहीं होना चाहिए मेरा मोबाइल, कोई और ले गया, क्योंकि वो नहीं चुरा सकता, बड़ा ईमानदार व्यक्ति है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन की, क्या उसके पास होना चाहिए मेरा मोबाइल? होना ही चाहिए। मस्ट ही हैव माय मोबाइल। ठीक है, क्वेश्चन मार्क।
मस्ट ही हैव माय मोबाइल, क्या उसी के पास ही मेरा मोबाइल होना चाहिए, क्या वही यहाँ बैठा था उसने मेरा मोबाइल झाड़ दिया। क्या कर दिया, झाड़ दिया, हमारे लैंग्वेज में, हमारे क्षेत्र की लैंग्वेज में झाड़ दिया मोबाइल किसी ने, झाड़ दिया मतलब झाड़ दिया। दो प्रकार से यूज किया जाता है, एक तो किसी में थप्पड़ दे दिए या फिर किसी का मोबाइल ले ली, कोई चीज ले ली, चुरा ली, झाड़ दिया, ठीक है। अलग अलग लैंग्वेज होती है, सब क्षेत्रीय लैंग्वेज अलग अलग होती सकती है। इसमें आईएनजी फॉर्म भी जरूरी है, जरूरी है, इसकी आईएनजी फॉर्म भी देख लीजिए, इन दोनों की देख लीजिए, ठीक है ना, फॉर्म क्लियर। मस्ट बी प्लस वर्ब में आईएनजी, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे आपको, आपको पढ़ते ही क्या हो गया, रहना चाहिए था। यू मस्ट बी रीडिंग, यू मस्ट बी रीडिंग, अरे चाहिए था, लिखा था यू मस्ट बी रीड, लिखा था, रीड लिखा था, नहीं लिखा था, मैंने बताया ही नहीं पहली बात तो, नहीं बताया बेटा मैंने, बार बार कोई बताया था। आपको पढ़ते ही रहना चाहिए, सुन लीजिए, आपको पढ़ते ही रहना चाहिए, यू मस्ट बी रीडिंग। बेटा शांत रहो, अगर हमें शुड में करना हो तो शुड लगा देंगे, मतलब पढ़ते रहना चाहिए, इसमें थोड़ा सा जोर देकर बोल रहे हैं, आपको पढ़ते ही रहना चाहिए, यू मस्ट बी रीडिंग, क्लियर है ना। क्वेश्चन में नेगेटिव कर लो पहले, एक मिनट लगी है, यू मस्ट नॉट बी रीडिंग, क्वेश्चन भी बना दो सर, यू मस्ट नॉट बी रीडिंग, आपको नहीं पढ़ते रहना चाहिए, मस्ट यू नॉट बी रीडिंग, रीडिंग मस्ट यू बी रीडिंग, आपका आपको पढ़ते ही रहना चाहिए, समझ आ रहा है ना, क्या आपको पढ़ते ही रहना चाहिए। तो इस तरीके से आप बी के साथ भी इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप मस्ट हैव बीन, बनना ही होगा या बनना ही चाहिए था, ठीक है। जैसे आपको, आपको टीचर बनना ही चाहिए था, आपको टीचर बनना ही चाहिए था, यू मस्ट हैव बीन आवर टीचर, यू मस्ट हैव बीन आवर टीचर, ठीक है, यू मस्ट हैव बीन आवर टीचर, आपको टीचर बनना ही चाहिए था। क्वेश्चन अगर नेगेटिव करना तो यू मस्ट नॉट बीन आवर टीचर, आपको टीचर बनना ही नहीं चाहिए था, आपको टीचर बनना ही नहीं चाहिए था। जैसे कुछ लोग बोल सकते हैं कि तुझे पढ़ाना अर्थ आता नहीं तो टीचर कहाँ से बन गया, तुझे टीचर बनना ही नहीं चाहिए था, भैया क्या बनना चाहिए था। अब बोल रहे हैं तू तो लाफ्टर में जा, लाफ्टर क्या होता है, अरे मतलब कपिल शर्मा के इधर चला जा, बोले तू उधर ही चले जाएंगे। पहले क्वेश्चन करेंगे तो क्या आएगा, मस्ट यू हैव, मस्ट यू हैव बीन आ टीचर, आ टीचर, आपको क्या, आपको टीचर बनना ही चाहिए था, क्या आपको टीचर बनना ही चाहिए था, बनना चाहिए था, पूछ सकते हैं आप मुझसे, ऑफ कोर्स व्हाई नॉट, मस्ट यू हैव बीन अ टीचर, ठीक है, समझा रहे हैं ना। अब इसको करते हैं हम इरेज और बढ़ते हैं अगले कदम की ओर, ठीक है, बनने के सेंस में हो गया, आपको बनना चाहिए था, समझ में आ गया ना। अब एक लेते हैं वर्ब के सेंस में, ठीक है, आपको सुबह से पढ़ते ही रहना चाहिए था, आपको सुबह से पढ़ते ही रहना चाहिए था, समझ में आ रहा है ना। इधर देखो चुटकी, आवाज नहीं, यहां पर देखें, यू मस्ट हैव बीन, यू मस्ट हैव बीन, एक और रहेंगे ना, रहना चाहिए था, ये वर्ब के सेंस में, अभी होने के सेंस में था ना, ठीक है ना। यू मस्ट हैव बीन रीडिंग कब से, इन द मॉर्निंग, नहीं सिंस, हैव बीन एज वेल, हां सिंस मॉर्निंग,
सेंस मॉर्निंग, ठीक है, यू मस्ट हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, आपको सुबह से पढ़ते ही रहना चाहिए था, समझ आ रहा है कि नहीं? आपको पिछले दो महीने से आते रहना चाहिए था, बोलते ही नहीं कभी, बोलते कि नहीं? यू मस्ट हैव बीन, हाँ, और जरूरी नहीं कि टाइम दिया हो, आपको पढ़ाई करती ही रहनी चाहिए थी, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना, जरूरी नहीं है कि टाइम दिया हो, सिंस फोन लग रही है, नहीं, इस कंफ्यूजन में कभी ना रहे, सिंगल सेंटेंस भी बनते हैं सिंपली, आपको पिछले समय में पढ़ाई करते रहना चाहिए था, आपको पढ़ते ही रहना चाहिए था, आपको इस सब्जेक्ट का रिविजन करते रहना चाहिए था, आ रहा ना समझ में? ऐसे ही सेंटेंस बनते हैं, नॉट में बनाएंगे तो तीसरे नंबर पर नॉट, चलिए बना लेते हैं, यू मस्ट नॉट हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, इसका क्वेश्चन ले लेते हैं, मस्ट यू हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, यू हैव बीन, आवाज नहीं करेंगे कोई, यहां पर पढ़ते नहीं, यू मस्ट हैव बीन, मस्ट यू हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, समझ आ गया? क्या आपको सुबह से पढ़ते ही रहना चाहिए था, क्लियर, समझ आ गया ना? अब नेक्स्ट स्टेप लेते हैं अपन, कौन सा, मस्ट हैव टू, मस्ट हैव टू, टैबलेट लेके पढ़ा रहे हैं भैया, भरोसा नहीं है, देख लो, देखो जी अभी लाए हैं, अब डॉक्टर के पास जाएंगे, दिखाएंगे अपने आप को, फिर कल फिर पढ़ाएंगे, इसलिए बहुत मेहनत कर रहे हैं हम, थोड़ा सा लाइक वाइक कर दिया कर, चैनल सब्सक्राइब कर लिया करो, 300 तक भेज दो, अभी रह गया वीडियो, खत्म नहीं हुआ, एंड नहीं हुआ, नेक्स्ट स्टेप अब लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप मस्ट हैव टू, पढ़ते रहना होगा या पढ़ते रहना चाहिए, समझ आ रहा है ना? अरे आप ये नहीं बताते हैं विशाल भी एक साथ घूम रहा था, हां सही तो है, काहे के लिए चाहिए, क्यों बोल रहा है, देख तो तुम ही आए ना, अंजू तो पहले आ गई, सर चाय भी रही थी, सर आप लोग लेट आए, सर चलिए देख लेते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, यहाँ देख लीजिए, हाँ यहाँ पर बस बस, राहुल को राहुल को खेलना खेलना ही पड़ रहा होगा, खेलना ही पड़ रहा होगा, समझ में आ गया ना? जरूरी नहीं कि चाहिए शब्द आए, राहुल को खेलना ही पड़ रहा होगा, मतलब मजबूरी पड़ रही होगी, मतलब खेलना ही पड़ रहा होगा, मजबूरी है और फोर्स भी उसके ऊपर है, तो यहां पर लिखेंगे राहुल मस्ट हैव टू प्ले, राहुल मस्ट हैव टू प्ले, ठीक है, कहीं अगर मिस्टेक हो जाए करे तो देख लिया करो, स्पेलिंग मिस्टेक तो, समझ गए ना आप लोग, बना दे, हाँ, राहुल को खेलना नहीं पड़ रहा होगा या खेलना ही नहीं पड़ रहा होगा, राहुल मस्ट नॉट हैव टू प्ले, क्वेश्चन बनाना है तब मस्ट पहले लाओ घसीट कर, मस्ट राहुल मस्ट राहुल हैव टू प्ले, क्या राहुल को खेलना ही पड़ रहा होगा, ठीक है, क्या राहुल को खेलना ही पड़ रहा होगा, यदि हाँ तो हाँ, ठीक है, राहुल को नहीं खेलना पड़ रहा होगा तो नॉट आ जाएगा मस्ट के बाद, क्वेश्चन बनाना है तो मस्ट पहले आ जाए, इसके और भी यूजेस होते हैं तो किसी दिन मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि अभी तो हम जवान हैं, बुढ़ापा नहीं हुआ अभी, हमें धरती पर 150 साल रहना है, है ना, तो कभी अगर आप लोग बूढ़े हो जाओ, हम तो ऐसे ही रहेंगे, ऐसे ही दिखेंगे आप लोगों को, आप बूढ़े हो जाओ तो लाठी टेक टेक टेक, आपको कब चाह रहे तुम लोग, तो वैसे हो जवान कहाँ हुए, बूढ़े हो रहे जा रहे, आप लोगों को ये समझ में आ गया, तो दोस्तों आपको भी ये समझ में आ गया हो, यदि ये वीडियो समझ में आ गया हो, मतलब कहने का कि मस्ट से रिलेटेड समझ में आ गया हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, बड़ी तकलीफ के साथ पढ़ा रहे हैं हम, फीवर भी है थोड़ा सा, लाइक तो कर ही दें और कमेंट कर दें कि वीडियो कैसा लगा, यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक तो कर दिया है, बेल आइकन को भी पुश कर दो ताकि वीडियो नई सबसे पहले आप तक पहुंच सके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय।